करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। आज के इस उत्साह भरे पावन बेला में उपस्थित पूजा समारोह के मुख्य अनुष्ठाता श्रद्धे फादर तोबियस तिर्की और श्रद्धे फादर फिलिप मिंच और अन्य आए हुए हमारे अतिथि फादरगण, सिस्टर अल्बिना शांति क्रिकेट्टा की माँ फुलकेरिया क्रिकेट्टा एवं परिवार के सभी दादा दादी जीजा भैया भाभी रिश्तेदार, यहाँ उपस्थित सभी गांववासी एवं दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण, इस पावन समय में हम आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ईश्वर की सृष्टि में हर दिन एक नई पंखुड़ियाँ निकलकर खुशबू बिखेरती है और सृष्टि नई हो जाती है। इस प्रकार हम सभी मानव प्राणी को ईश्वर हर क्षण हर पल हर दिन और एक नया जीवन और एक नया कृपा दान प्रदान करते हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही विशेष दिन है। आज हम सिस्टर अल्बिना शांति क्रिकेट्टा को अपना धर्म संघ जीवन में रखकर 9 वर्ष पूरा कर आज इस पावन समय में हमारी प्यारी सिस्टर अल्बिना शांति क्रिकेट्टा अपने सुंदर जीवन दान के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देना उचित समझती है और यह सुबेला दिन बहुत ही अच्छा है। आज की प्रातः बेला में उस कृपावान प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देना और उसके सभी उपकारों के लिए उन्हें कृतज्ञता पुष्प अर्पित करना हमारे लिए मान्य है। सिस्टर अल्बिना शांति क्रिकेट्टा का जन्म रांची धर्म प्रांत के पारिश पतरा चौली गांव कुंदी में 15 फरवरी 1990 ईस्वी में हुआ था। माता फुलकेरिया क्रिकेट्टा तथा पिता स्वर्गीय फ्रांसिस क्रिकेट्टा की ये 9 बेटे बेटियों में सिस्टर अल्बिना का स्थान 7वां है। इन्होंने अपने परिवार तथा माता पिता की गोद की शोभा बढ़ाई और परिवार में सबसे छोटी बेटी होने के नाते भरपूर प्यार और दुलार पाया और अपने माता पिता दादा दादी जीजा भाई बहन सभी का प्यार पाकर पिता ईश्वर की कृपा और अनुग्रह में आगे बढ़ती रही और अपने परिवार में कृपा का स्रोत बन गई। इनका बचपन का समय अपने ही पारिश पतरा चौली और गांव के टोले में ही बीत गया। इन्होंने मिडिल स्कूल की पढ़ाई केजी से लेकर 5 तक राज्य के प्राथमिक विद्यालय कुंदी में पढ़ाई की। इसके बाद 5वीं से 6वीं तक की पढ़ाई संत जोसेफ मिडिल स्कूल पतरा चौली में की और उच्च विद्यालय जनता हाई स्कूल से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद आईए की पढ़ाई के लिए मड़वारी वुमेन्स कॉलेज रांची में अपना पढ़ाई पूरा की। इसके बाद पारिस के निकट फादरों सिस्टरों के संपर्क में रहते रहते बचपन में ही उनके मन और दिल में बुलाहट का अंकुर फूट गया। जैसे जैसे वह बढ़ती गई उसकी बुलाहट का बीज बढ़ता गया और अपने अंदर अपनी भावनाओं और इच्छाओं को व्यक्त करने में अपने आप में वह अंदर ही अंदर संघर्ष करती रही। मार्गदर्शन के अभाव में 5 जून 2010 में एक प्रार्थी के रूप में धर्म संघ संत अन्ना रांची परिवार को स्वीकार कर ली। इसके बाद 8 दिसंबर 2011 ईस्वी में 9 शिष्यालय के रूप में शामलों में प्रवेश की। धर्म बहनों के साथ अपने कर्तव्य और कामों को निभाते हुए प्रार्थना में अडिग बनी रही। इसके बाद 1 साल के बाद उन्होंने 8 दिसंबर 2012 ईस्वी में द्वितीय वर्ष 9 शिष्यालय के लिए कुनकुरी में
अपनी पढ़ाई पूरी की। अंततः नव शिष्यालय में 2 वर्ष का समय इनके धर्मसंघी जीवन जीने का उत्साह और भी अधिक उत्साहित और प्रोत्साहित होता रहा। इनको मालूम भी नहीं हुआ कि वह 2 वर्ष जो प्रार्थना, त्याग, तपस्या और आत्मचिंतन का समय कैसे बिता गई। और प्रभु की कृपा से प्रभुमय होकर 8 दिसंबर 2013 ईस्वी में प्रथम मन्नत धारण की और अपने को ईश्वर तथा लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। पहला मन्नत धारण करने के बाद इनकी पहली नियुक्ति संत अन्ना कॉन्वेंट लपरा में एक सहायक शिक्षिका के रूप में हुई। वही पारिश के गिरजा में काम करने का अवसर मिलता रहा और प्रेताई के माध्यम से उन्होंने अपने प्रभु यीशु को बहुत ही निकट से अनुभव किया। और 1 वर्ष के बाद लपरा पल्ली वासियों की उन्होंने सेवा की। तत्पश्चात 2015 से 2017 ईस्वी में टीचर ट्रेनिंग के लिए लोहरदगा में दाखिला ली। वहां 3 साल तक ट्रेनिंग के बाद पुनः लपरा वापस चली गई। सिस्टर को पुनः यहां पाकर वहां के माता पिता, भाई बहन अत्यंत खुश हुए और वहां की कलीसिया तथा वहां के लोगों की सेवा करने का मौका मिला। ईश्वर का प्यार, अनुग्रह का अनुभव करते हुए इन्होंने अपने दायित्व को बखूबी निभाया। अंततः 2018 से 2020 में वह आध्यात्मिक अभ्यास के लिए बेंगलोर गई। वहां 1 साल रहकर आध्यात्मिक अभ्यास समाप्त होने के बाद पुनः रांची आई तथा 2019 से 2020 में शामलोंग कॉन्वेंट में एक सहायिका शिक्षिका के रूप में कार्यरत है। आज जब हम अपने बीच बेटी बहन को पाते हैं तो अत्यंत ही खुशी का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ईश्वर के समारोह में हम सभी गांववासी मेहमान आकर के हम इस पूज्य बलिदान में भाग लें और अपना कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे बीच माँ पुलकेरिया क्रिकेटा और पिताजी स्वर्गीय फ्रांसिस क्रिकेटा नहीं रहे और अभी हमारे बीच गार्जियन के रूप में बड़े भाई के रूप में अंतोनी क्रिकेटा बीना के साथ हैं। तो इस तरह से हमारा ये छोटा जीवनी सिस्टर अल्बिना का रहा। आइए हम इसी के साथ पूरी तरह से सिस्टर अल्बिना को पिता ईश्वर को समर्पित करते हुए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सब चीज़ के लिए, उनके सब कृपाओं के लिए, आशीषों के लिए और विशेष करके सिस्टर अल्बिना के जीवन के लिए और उससे अधिक उनके बुलाहटे जीवन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद करें कि ईश्वर ने उनको बुलाया और ना सिर्फ बुलाया लेकिन उनको चुना है अपने सेवा करने के लिए। और इसलिए जाहिर सी बात है कि आज हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है। आइए हम सब एक साथ धन्यवाद हृदय लेकर इसमें से बलिदान में भाग ले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर आप सबको प्राप्त हो। सदैव फादर जॉन, फादर एडविन, फादर फिलिप, आदरणीय धर्म बहने, प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, हमें बहुत सारे कृपाएं दी हैं, वरदाने दी हैं। सबसे उत्तम वरदान जीवन का वरदान होता है और उससे अधिक ईश्वर ने सिस्टर अल्बिना को अपने सेवा के लिए बुलाया, उसके लिए चुना और इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देना उचित है। ईश्वर को धन्यवाद देना उचित है। जैसे हमने परिचय में सुना कि 9 वर्ष ईश्वर की सेवा में उन्होंने बिता दिया है। 9 वर्ष काफ़ी छोटा समय नहीं होता है, काफ़ी छोटा समय नहीं होता है। प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को देना, हाँ कहना बहुत सहज नहीं होता है प्यारे माता पिता, भाई बहनों, लेकिन हमारी बहन ने ईश्वर के आज्ञा को स्वीकार किया
और प्रभु को हाँ कहा, प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दी, और इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देना उचित ही है। और इसलिए आइए आज हम एक साथ सिस्टर अल्बिना के साथ, उनके परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ईश्वर को धन्यवाद करें उनके सब कृपादानों के लिए, उनके आशीषों के लिए। इसमें से बलिदान में भाग लेने के पूर्व आइए हम अपने दिल की जांच करें और अपने सभी छोटे बड़े पापों के लिए, गलतियों के लिए हम ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा और दया की याचना करें। समाचार सलाहों के मार्ग पर चलकर ये कलीसिया की पवित्रता बढ़ाए और उसका प्रेरित उत्साह बनाए रखे। यह हमारा निवेदन है तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। Thank you.
दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 14 से 20 तक। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है, हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। यह सब ईश्वर ने किया है। उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में ना लिखकर मसीह के द्वारा अपने साथ संसार का मेल कराया और हमें इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार सौंपा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप सबों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आपसे यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। यह प्रभु की वाणी है।
साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 28 से 31 तक। तब पेत्रुस ने यह कहा, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। ईसा ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो, और जो अब इस लोक में सब गुना ना पाए, घर, भाई बहने, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। फीस्ट कीजिए। ईश्वर की योजना अद्भुत होती है, और इस योजना को समझ पाना हम मनुष्यों के लिए कभी कभी कठिन लगता है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने जन्म पर्व मनाया। ये जन्म पर्व भी ईश्वर का एक अद्भुत योजना है। ईश्वर हम मनुष्यों के लिए मानव बन करके इस धरती में आया। कुछ अविश्वासी भी थे, कुछ गुस्सैल वाले थे, और उनमें से एक तो ऐसा कि मुझको 30 सिक्के में बेच भी दिया, और उसके कारण मुझे दुख सहना पड़ा। और इस इन सारे बातों को सुन करके दूत लोगों में सन्नाटा छा गई। लोग हैरान रह गए, और अंदर में उनके मन दिमाग में सवाल उठ रहा था, किस तरह के लोगों को ये चुना। जो योजना पिता ईश्वर की थी, इनको चुन करके मटियामेट कर दिया है यीशु क्रिस्त। जब हम दुनियाई दृष्टि से अपने बुलाहट पर चिंतन करेंगे, ये बेकार लगेगा, मूर्खता लगेगी, फालतू लगेगा, लेकिन जो इस बुलाहटीय जीवन का आनंद और मजा पा लिया है, समझ लिया है, उसके लिए ये सौभाग्य है और खुशी का बात है। और सिस्टर अल्बिना इस चीज को महसूस की है, और इसलिए जब से ये अपनी बुलाहट शुरू की, करीब 10-11 साल हो रहा है, इसी दरमियान उन्होंने महसूस की अपने में अयोग्यता के बावजूद भी ईश्वर इनको प्यार किया, इनको संभाला, इनको मजबूत किया, और ये उसी में आगे बढ़ रही है। आज के पाठों में भी जो सिस्टर महसूस की, उसी को हम पाते हैं। पहला पाठ, दृढ़ता के साथ वो कहा करता था, मुझे मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है। वही संत पौलुस प्रभु वचन में कह रहे हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने लिए नहीं, लेकिन हम मनुष्यों के लिए मरा, और मनुष्यों के लिए मर करके मरने के बाद वो मनुष्यों के लिए जी उठा है। इसलिए हम जो भी विश्वासी हैं, जो भी लोग हैं, हमको अभी उसी ख्रीस्त के लिए, उसी मसीह के लिए जीना है, और उसी ख्रीस्त के लिए सिस्टर अपना जीवन, संसारिक जीवन त्याग करके बुलाहटीय जीवन स्वीकार की है, उसी प्रभु यीशु ख्रीस्त के शिक्षाओं को जीने के लिए, उसी के कामों को करने के लिए, उसके शिक्षाओं को दूसरे लोगों को बांटने के लिए। इसलिए हम सबों के लिए भी आज चुनौती है, गौर करने वाली बात है। यीशु ख्रीस्त इस दुनिया में आया, हमारे लिए आया, मरा हमारे पापों के लिए मरा, और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। विधता, निर्धनता और आज्ञा पालन के व्रतों को, जिनके द्वारा मैंने अपने को संत अन्ना की पुत्रियों के धर्म संघ में ईश्वर को अर्पित किया है, आज
फिर सारे दिल से सुदृढ़ करती, पुष्ट करती और ईश्वर को समर्पित करती हूँ। और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। उनके विचार एवं योजना में तेरी पवित्र इच्छा को प्रकट कर, ताकि वे यीशु के प्रेम से सुसमाचार को सभी लोगों तक पहुंचा सके और कलीसिया रूपी खेड़ के संचालक में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। परमाधिकारिणी तथा रांची प्रोविंस की प्रोविंशियल एवं संत अन्ना धर्म समाज की सभी धर्म बहनों को तेरे चरणों तले अर्पित करते हैं। पिता, इस चुनौतीपूर्ण युग में भी तू सबों को परिवार के सभी मृत सदस्यों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर स्वर्ग चाचा नोवेल तथा स्वर्ग पिता फ्रांसिस केकेटा की आत्मा शांति के लिए। उनके सभी गुनाहों को माफ कर उन्हें स्वर्गीय सुख प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। का अनुभव कर सके और तेरे विश्वास में निरंतर बढ़ते जाए, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हर दुख तकलीफों से बचाए रख, हर कार्यों में उन्हें सहायता प्रदान कर, जिससे वे अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा सके और सभी मिलजुल कर एक दूसरे को सुख दुख में सहयोग करते हुए बालक यीशु के प्यार को बांट सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। Bye.
सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद। से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़ के उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसे खाओ क्योंकि
क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। हमारे संत पिता फ्रांसिस, महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स, सहायक बिशप थियोडोर मस्कारनेस और सभी आचार्यों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि रहे तथा इसे शुद्ध एवं पवित्र कर। नोवेल और स्वर्गीय फ्रांसिस क्रिकेटा की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु मसीह के से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगों युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए।
जय शिव। देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य है हम जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। जय और मेरी आत्मा हो जाएगी। सब उपकारों और उसके महान कार्यों का बखान करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना और अपनाया है तथा असंख्य वरदानों से मुझे भर दिया है। उसने विभिन्न परिस्थितियों, घटनाओं एवं भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा धर्म समाजी बुलाहट को पहचानने और ईश्वरीय कलीसिया की सेवा हेतु संत अन्ना की पुत्रियों की धर्म संघ रांची, जो हमारे ही इस छोटा नागपुर धरती में जन्मी ईश सेविका माता बेनादित द्वारा स्थापित धर्म समाज में मुझे नियुक्त किया है। आज मेरी अंतिम व्रत धारण
धन्यवादी ख्रिस्त याग में उपस्थित मिस्सा बलिदान के मुख्य अनुष्ठाता फादर तोवियस टोपो, फादर फिलिप मिंच मनरेसा से आए, फादर एडविन, फादर जॉन, विभिन्न समुदाय से आए धर्म बहने, मेरी माँ, परिवार के सभी प्यारेगण, दूर निकट से आए सभी रिश्तेदार, दोस्त, गांव के सभी माता पिता एवं भाई बहने, आज का यह दिन मेरे लिए ईश्वरीय वरदान एवं कृतज्ञता भरा दिन है, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा एवं आप लोगों के प्यार एवं प्रोत्साहन से मैं ईश्वर के अगाध प्रेम को पहचाना और धन्यवादी हृदय लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ, क्योंकि आप सबों की उपस्थिति मेरे प्रति आप लोगों के प्रेम को प्रदर्शित करता है। पवित्र ख्रिस्त याग के मुख्य अनुष्ठाता फादर तोवियस को दिल से धन्यवाद देती हूँ। आपने अपनी स्वयं की खुशी त्याग कर मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया और अपना बहुमूल्य समय मेरे लिए दिया है। आपकी उपस्थिति मेरी खुशी को दोगुनी कर दी। आपने मेरे तथा परिवार के लिए इस गांव के सभी माता पिताओं के लिए धन्यवादी ख्रिस्त याग चढ़ाई हैं और अपनी प्रार्थना से हमें ईश्वर के प्रेम एवं विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए आशीर्वाद की कामना की हैं। आपके स्नेह प्रोत्साहन के लिए सहृदय धन्यवाद। प्यारे फादर फिलिप, आपके आकर्षक प्रभु वचन से हम सभी ने साराबोर हो गए हैं। आज आपने अपने हृदय स्पर्शी प्रेरणादायक प्रवचन द्वारा हमें ख्रिस्तीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। आपके आशीर्वाद, प्यार, त्याग एवं प्रार्थना के लिए सारे हृदय से धन्यवाद। हमारे पल्ली पुरोहित फादर सिकंदर तिर्की तथा सहायक सभी पुरोहितों जो अनुपस्थित हैं, उनके प्यार, स्वीकृति एवं सहयोग के लिए कोटिशा धन्यवाद देती हूँ। मेरे धर्म समाज में प्रवेश से लेकर अब तक के सभी परमाधिकारियां एवं उनकी समितियां, प्रोविंशियल्स एवं उनकी समितियां तथा अधिकारियों के प्रति मैं धन्यवादी हूँ, जिन्होंने मुझे धर्म समाज में स्वीकार किया, अपनी बेटी और बहन की तरह प्यार किया, विभिन्न प्रशिक्षण तथा आध्यात्मिक सलाह से धर्म समाज तथा कलीसिया में सिस्टर सेवा देने के लिए मुझे योग्य बनाया। आपकी प्रार्थना, प्रोत्साहन तथा प्रेम पूर्ण मार्गदर्शन के लिए सहृदय धन्यवाद देती हूँ। मेरे समुदाय से आए सिस्टर सुपीरियर
और दोनों बहनों के प्रति भी मैं धन्यवादी हूँ, जिन्होंने समय समय पर मुझे आत्मिक सलाह के साथ साथ आर्थिक सहायता पहुँचाते हैं, अपनत्व का एहसास कराते, दुख सुख में मेरे साथ रहते और मेरा ख्याल रखते हैं। उनकी सभी सहयोग, मातृतुल्य प्रेम एवं आपकी बहुमूल्य समय देने के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। सामरों समुदाय के धन बहनों के प्रति भी हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ कांकी के धन बहनों के लिए, विशेष रूप से सिस्टर इलिसबा और सभी धन बहनों के लिए जिन्होंने मुझे अपने वचन से और सहयोग द्वारा मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। विभिन्न स्थानों से आए सभी पुरोहितों, विशेषकर बिशप हाउस एसडीसी और मंडेसा से आए पुरोहितों एवं सभी धन बहनों के प्रति अपना कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। आपकी उपस्थिति एवं प्रार्थना ने हमारे खुशी को और बढ़ा दिया है। आपने सिर्फ आज ही नहीं किंतु बीते जीवन में भी आपने प्रार्थना, प्रोत्साहन, प्यार, सहयोग एवं अच्छे मार्गदर्शन किए हैं और कई रूपों में प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। मैं सब कुछ के लिए सहृदय धन्यवाद देती हूँ। बहन सिस्टर वंदना क्रिकेटा के त्याग, प्यार एवं प्रोत्साहन के लिए मैं अपना कृतज्ञता प्रकट करती हूँ, जो दूर से आकर मेरे इस खुशी में शामिल होकर मुझे धर्म समाजी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साह भरा है। साथ ही मेरे सभी रिश्तेदार एवं गांव के धन बहनों की उपस्थिति, प्रेम, सहयोग तथा प्रोत्साहन के लिए तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। मेरे सभी प्रशिक्षा धन बहनों को भी हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपने समर्पित जीवन, प्यार, अथक परिश्रम एवं सलाह द्वारा मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को, जिन्होंने मुझे बचपन से हाथ पकड़ कर लिखना सिखाया, मेरी तोतली बोली को स्पष्ट रूप से बोलना सिखाया, मेरी क्षमताओं को निखारने और अच्छी राह पर चलने में मदद किया है। मैं उनके सभी सहयोग, परिश्रम, प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद प्रकट करती हूँ फादर विशु बिंजामिन और फादर जस्टिन तिर्की के लिए, जो यहाँ अनुपस्थित हैं, जिन्होंने अपनी उदारता, प्यार एवं उपकार मेरे लिए प्रकट किया है और अपनी आत्मिक सलाह से मुझे मेरे बुलाहट को पूर्ण समर्पित भाव से जीने में सहयोग दिए हैं। सभी शुभचिंतकों, दूर निकट से आए सभी रिश्तेदार, हमारे विद्यालय हिंदपीढ़ी
किए सभी टीचर्स और सभी माता पिता, यूथ, प्रियजनों, दोस्तों एवं उपकारकों को सहृदय धन्यवाद देती हूँ। आप सभी ने भी अपना बहुमूल्य समय देकर ये मैं जो धन्यवाद के शब्द कहूँ बहुत ही कम होगा। माता पिता ने ईश्वर की योजना के अनुसार मुझे इस धरा पर लाया, लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, परिवार की परिस्थिति के अनुसार मुझे आत्मनिर्भर बनने में मदद की। सभी भाई बहनों से बढ़कर मुझे प्यार मिला। मैं भाई बहनों से धनी हूँ क्योंकि मुझे माता पिता जैसे उनके द्वारा प्यार मिला है। बचपन से लेकर अब तक ख्रिस्तीय विश्वास एवं संस्कारों से सींच कर बुलाहट में आगे बढ़ने में प्रार्थना तथा निस्वार्थ सेवा प्रदान किए हैं। धर्म समाज में प्रवेश लेकर अब तक आपने मुझे अपनी प्रार्थना तथा मेरे हर जरूरतों को पूरा करने के लिए आपने कभी पीछे नहीं हटा। अपना परिवार एवं अपनी चिंता किए बगैर मेरी हर आवश्यकताओं को पूर्ण किया और आज इस मुकाम तक पहुंचने में आप सभी का सहयोग सबसे बढ़कर रहा है। कहा जाता है जो कुछ भी होता है अच्छा ही होता है। आप लोगों ने मेरे जीवन में आने वाले हर उतार चढ़ाव में अपनी आत्मिक सलाह दी और ईश्वरीय बुलाहट में बढ़ने में आपका महत्वपूर्ण सहयोग रहा है और आज के इस दिन को सुंदर और सफल बनाने के लिए महीनों पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी और आज रात देर तक जागकर इस दिन को सफल बनाया है। मैं आपकी अथक परिश्रम, त्याग, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ सेवा, स्नेह, बहुमूल्य समय, प्रोत्साहन के लिए करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। इस गांव के सभी माता पिता, भाई बहनों, पंच प्रचारक, आपने भी आज के इस धन्यवादी ख्रिस्तयाग में सहभाग होकर अपनी उपस्थिति देकर मेरे लिए प्रार्थनाएं किए हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आपने मुझे इस जीवन को चुनने में सहयोग दिया है। गायक मंडली की अगुआ, महिला संघ की सभानेत्री फ्रांसिस्का दीदी को हृदय की गहराई से धन्यवाद अदा करती हूँ। आपने व्यस्तता के बावजूद इस ख्रिस्तयाग को सफल बनाने के लिए तथा अन्य गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में आपने अथक परिश्रम किया है। आज के पवित्र ख्रिस्तयाग को भक्तिमय बनाने में आपका भरपूर सहयोग रहा है। पूरे गायन मंडली को, मेरे सभी प्यारे बेटे बेटियों को उनके परिश्रम, समय एवं मधुर गीत के ये सहृदय धन्यवाद देती हूँ। वेदी की सजावट एवं गीत के साथ सुंदर
मादर किताल देने वाले मेरे सहयोगी धन बहनों भाइयों को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय मेरे लिए दिया है। मैं पवित्र ख्रिस्त याग को संपन्न किया है, उसे प्रदान करने वाले टेंट हाउस के तथा साउंड सिस्टम के सभी भाइयों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले कुक को धन्यवाद देती हूँ, उनके त्याग परिश्रम और स्वादिष्ट भोजन के लिए, जिसे हम कुछ समय के बाद ग्रहण करने वाले हैं। इस पावन ख्रिस्त याग को और आगे के कार्यक्रम को सफल एवं सुंदर बनाने अपना प्रेम प्रदर्शित किया है। मैं पुनः आप प्रत्येक जन का मैं एक एक कर नाम तो नहीं ली, लेकिन यहाँ उपस्थित और जो दूर दराज में रहकर भी मुझे सहयोग दिया है, मैं आप प्रत्येक जन का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। धन्यवाद। नहीं होती यदि वह हमें निमंत्रण नहीं देती, नहीं बुलाती, तो हम लोग आज यहाँ पर नहीं होते। और इसलिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र स्वयं सिस्टर अल्बिना है, और इसलिए हम उनके लिए, उनके जीवन के लिए शुभकामना स्वरूप या बधाई स्वरूप। लगता है माइक उदास है, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हे प्रभु, यह दिव्य संस्कार आदर पूर्वक ग्रहण करके हम तुझसे निवेदन करते हैं, जो सेवक सेविकाएं पावन व्रत के द्वारा तुझसे संयुक्त हो गए हैं, इन्हें पवित्र आत्मा की अग्नि से प्रज्वलित कर और सदा के लिए अपने पुत्र की संगति में रख ले। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। हम पुरोहितों की ओर से सबों को जय यीशु और खुश पर्व और सिस्टर अल्बिना को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जय यीशु। प्रभु मोए तो कार्य करबू।
करो।